दोस्तों नमस्कार, आपका अपना निरंकार शर्मा आपके अपने चैनल टेक्निकल तेजस्वी किसान पर आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों आज मैं आपको ऐसी थ्रेसर मशीन दिखाने वाला हूं, मल्टी क्रॉप थ्रेसर भी दिखाने वाला हूं और शादी वाली भी दिखाने वाला हूं। और दोस्तों वीडियो के अंदर मैं आपको ऐसी सस्ती थ्रेसर दिखाऊंगा जो आपको छोटी कर सकते हैं, इसे बड़ी भी कर सकते हैं, फसलों के हिसाब से हर फसल को निकासी करने वाली ये थ्रेसर मशीन है। पूरी जानकारी लूंगा। कंपनी के मालिक अरशद भाई हमारे साथ उपस्थित हैं। क्या क्या 2023 में नए बदलाव इन्होंने अपनी थ्रेसर मशीन के अंदर किए हैं। यूपी की प्रसिद्ध थ्रेसर मशीन है, अरशद भाई की पूरी जानकारी लेते हैं अरशद भाई से। नमस्कार अरशद भाई। नमस्कार भाई साहब। भाई जी, जैसे क्या नया साल आया है जी, तो मेरे किसान भाइयों को सबसे पहले बताइए, मैं शुरुआत करता हूँ वीडियो की जी, कि इस थ्रेसर मशीन तो आपकी बहुत जबरदस्त लगी रही है मुझे, रंग तो बहुत अच्छा लग रहा है जी, जी। क्या क्या खासियत है इसकी, सबसे पहले हमारे किसान भाइयों को अपनी फर्म का और अपना परिचय कराइए। मैं सबसे पहले आपके चैनल के माध्यम से जी अपने दर्शकों को, आपके दर्शकों को जी मैं नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम। बिल्कुल जी। और मैं, आपने अभी जो मेरे से सवाल किया कि नए साल के अवसर पे आपने क्या टेक्निकल निकाली है नई तरीके से, बिल्कुल, तो हम आपको बता देते हैं कि हमारा जो है अरशद एग्रीकल्चर के नाम से जी हमारा फैक्ट्री है जी, जिसमें हम एग्रीकल्चर के कृषि यंत्र बनाते हैं, जिसमें अपना थ्रेशर हुआ, रूटर वेटर हुआ, और एक बिनाने का शुगर केन वाला रूटर वेटर हुआ, और छोटे वाले जो ट्रैक्टर आ रहे हैं उन ट्रैक्टर, उसका रूटर वेटर हुआ, और अपना जो है सादा थ्रेशर हुआ, मल्टी क्रॉप थ्रेशर हुआ, और हेरो टिलर, और ये किसानों से संबंधित हम बहुत सारे आइटम बनाते हैं। अच्छा, बात करते हैं अब थ्रेसर के बारे में। देखो गेहूं का सीजन आने वाला है जी, किसान भाई ये चाहता है कि थ्रेसर मुझे मिल जाए बढ़िया जी, और उसमें भी मुझे मिल जाए सब्सिडी जी। मुझे पता है कि आपकी थ्रेसर में सब्सिडी मिलती है जी, तभी मैं आपके पास आया हूँ जी, जी, जी। मैं भी किसान का बेटा हूँ, चाहता हूँ कि किसान को मेरे माध्यम से लाभ मिलना चाहिए 2023 के अंदर, जिससे कि उनका नया साल अच्छा रहे और थ्रेसर के माध्यम से बिजनेस कर सके। अब भाई बात करते हैं, आपका बहुत ही कलर कॉम्बिनेशन अच्छा थ्रेसर है जी, इसकी टेक्निकली जानकारी दो, क्या इसकी टेक्निकली जानकारी है। देखिए टेक्निकल जानकारी के बारे में आपको बता देता हूँ कि ये हमारा जो थ्रेशर है जी, ये मल्टी क्रॉप थ्रेशर है। अच्छा, इसके अंदर आप जो है 4-5 फसलें इससे आप ले सकते हैं जी, जैसे गेहूं हुआ, बाजरा हुआ जी, और इसका सरसों हुआ, चना हुआ, मटर हुआ, और इसके अंदर जो है क्या नाम उसका, उड़द हुए, और अरहर की दाल हुआ, इससे आप इसमें कई सारी फसलें इससे ले सकते हैं। अरशद भाई आपने कहा कि इससे हम कई फसलें कर सकते हैं जी, तो इसकी छन्नी वगैरह या कुछ सिस्टम बदलना होगा या वही रहेगा। देखिए चलने की बात ऐसी है, इसमें गेहूं पे और सरसों पे और उड़द पे, बिल्कुल, और बाजरे पे यही जाली इसकी काम करेगी, बिल्कुल यही चलना इसका काम करेगा, और जैसे आपका जो मटरा हुआ, बिल्कुल चना हुआ, उसके लिए इसकी जाली चेंज करनी पड़ती है। अच्छा जी, अभी बताइए कितने फैन के अंदर अपनी है ये, थोड़ा सा मुझे फैन वगैरह दिखाइए इधर जो है, कितने फैन के अंदर भी अपनी। देखिए ये हमारा जो है मल्टी क्रॉप थ्रेशर जो है, ये इसमें 3 फैन लगे हुए हैं। अच्छा, 2 फैन तो ये है जी, जिससे कि अपना दो तरफ का अपना भूसा बिल्कुल क्लियर तरीके से अपना भूसा इसमें आएगा जी, और इसकी भूसे की साफ की हमारी पूरी जिम्मेदारी है, और एक फैन हमारा पल्ली तरफ लगा हुआ होता है जिधर हमारा गेहूं निकलता है। अच्छा, उधर अपना है जो, जिससे कि वो पंखा हवा मारता है गेहूं के ऊपर, जो कबाड़ा वगैरह आता है उसको साफ करता है। अच्छा, ये 3 फैनों में हमारा है मल्टी क्रॉप ये कटर। अच्छा जी, इसे कटर बोलते हैं। अच्छा हाँ जी, और ये इसमें सब कुछ फसलों में काम करता है, कटर का काम करते हैं कि सब फसलों को काट कर कर अनाज साफ करता है। एक्चुअली क्या है, मैं आपको बात बताऊं, आज की तारीख में किसानों को इतनी जल्दी हो गई जी कि वो ना तो गीले का इंतजार करे ना सूखे का इंतजार करे। गीला सूखा निकाल देंगे। हाँ, गीला और सूखा, अब तो सूखा मिलता ही नहीं, अब तो गीला मिलता है। वजह यह है क्योंकि किसानों में इतनी जल्दी है, रात को कटता है, सुबह को किसान जो है ट्रैक्टर वाले को फोन करते हैं जी कि भाई हमारा लाख निकाल दो। अच्छा अच्छा, उस लाख को भी क्या कहते हैं आज की तारीख में, तो 4 दिन का कटा हुआ बताते हैं। अच्छा अरशद भाई बात करता हूँ मैं, ये ट्रैक्टर का जो है लगाने का बड़ा कॉम्बिनेशन आपने बड़ा बेहतरीन दे दिया है जो जी है। जी जी, ये डिजाइन मैंने और थ्रेसर में मशीन में नहीं देखा। आजी, आजी। आपने बड़ा शानदार दिया है जो जी। ये देने का क्या कारण रहा है? देने का कारण ये है, इसमें क्या है, बैलेंस बनाने का, हमने इसका बैलेंस बनाया है। अच्छा, ताकि बैलेंस है, एक तो मशीन पे आप हमारा पानी का गिलास आप इस पे रख सकते हैं, पानी का गिलास रखने के बाद में अगर हमारी मशीन कम जाए तो आप इस पे जो है हम इसको वापिस ले लेंगे।
अच्छा। पूरी जिम्मेदारी है पानी का गिलास रखने के बाद, हमारी थ्रेशर में कंपन नहीं है बिल्कुल भी, मतलब गिलास गिर जाए गिलास अगर आप वीडियो के अंदर कह रहे हो आप ये बात वीडियो के अंदर कह रहा हूँ। आप इस पे ट्रैक्टर के पीछे हमारी फैक्ट्री के अंदर घुमाइएगा, पानी का गिलास रखिएगा और अगर इसमें पानी छलक जाए तो आप उसको वहीं छोड़ दीजिए। अच्छा बिल्कुल। अब ये बताओ जैसे क्या मान के चलो इसमें कितना वजन है, और ऐसा होता है कि कम वजन वाली थ्रेसर जो है जिससे हम क्या हमारे खेत में किसान ट्रैक्टर पर लेकर जाता है उसकी डोली होती है बड़ी बड़ी मोटी जी जी, तो उसका बैलेंसिंग नहीं झेल पाती जी जी जी, इसमें आपने ऐसी क्या सुविधा लगाई जिससे कि ये पलटे ना, और उसमें ऐसा क्या है? कोई भी चीज है, कोई भी लोहा है, किसी भी चीज की हर चीज की एक टेक्निक है बिल्कुल। अगर हम टेक्निक के साथ कोई भी चीज उसको यूज करेंगे तो वो काम बेहतर करेगी। अच्छा। और अगर बिना क्या नाम है टेक्निक के इस्तेमाल करेंगे तो वो लोहा ही है, वो मशीनरी नहीं बनती। अच्छा। इसलिए हमने उसके अंदर एक ऐसा बैलेंस इस तरह से बैलेंस बनाया है इसमें जी, ताकि खेत में भी ना पटे और इसके अंदर जो है पूरा काम करेगी, ताकि लेबर भी इससे सेफ रहेगी जी और इसमें काम पूरा करेगी इसके लिए। अच्छा। अब ये सिस्टम देख पा रहा हूँ ये यहाँ से मुझे अनाज आता है क्या आता है? हाँ, इसके अंदर ये गेहूं आते हैं जी, और ये जो गेहूं जब इधर आते हैं तो कोई अगर गेहूं के साथ भूसे का तुनका वगैरह अगर आता है तो उसको फैन हमारा साफ कर देता है उसको। अच्छा अच्छा बिल्कुल, पूरी जिम्मेदारी है हमारी जी। अब इसमें जालियां कितनी दी गई है बताइए? इसके अंदर हमने एक गेहूं की दी है जी, और एक इसमें जो है नीचे बारीक वाली दी है, इसमें सरसों भी निकल सकती है जी, और इसके अंदर गेहूं की भी निकल सकती है, उड़द भी निकल सकते हैं जी, और ये दोनों एक काम करती है। इसके लिए अगर तुम चना वगैरह कोई निकालोगे तो ऊपर वाली जाली चेंज करनी पड़ेगी। बताओ आपने सरसों का नाम लिया, काली सरसों भी जैसे बोलते हैं हमारे जी जी जी, तो छोटा होता है वो, उसे तोड़ेगा तो नहीं है? देखिए अगर हमारा थ्रेशर ट्रैक्टर लोड माने जी, निकासी कम दे जी, नाजबूज बढ़िया ना दे। अच्छा। और किसी की थ्रेसर से अगर हमारा थ्रेसर फिट जाए तो हम अपना थ्रेसर वापस ले लेंगे। अच्छा अच्छा बिल्कुल, इतना कॉन्फिडेंस। आपने नाम लिया भूस का। हाँ जी। मेरा किसान भाई जी, मान के चलो जैसे क्या पशु है उसके घर पे जी जी, और पशुओं के लिए जो भूसा नहीं इकट्ठा होगा जी तो उसका पशु दुखी रहेगा पूरे जी, साल जी, जी। भूसे की महिम कैसी है इसकी, और भूसा जो है गेहूं तो नहीं डालेगा भूसे के साथ में? देखिए मैं आपको बात बता देता हूँ जी, आज की तारीख में जो है बहुत छोटे छोटे किसान है बिल्कुल, जिसकी वजह से अगर दो दो बीघे, चार चार बीघे, पांच पांच बीघे, वो इसलिए गेहूं बोते हैं ताकि वो उनका जो भूसा बने जी वो अपने ही जानवरों को खिलाए, अपने ही डंगरों को खिलाए जी, इससे के उन्हें उससे क्या होता है अगर भूसा सही नहीं बनता जी तो डंगर उसको खाते नहीं है बिल्कुल। किसान को चाहिए नाज और भूस बढ़िया, भूसा बारीक, इसकी भूसे बारीक की 101% इसकी गारंटी है। अच्छा। हमने जो थ्रेशर बनाया है बारीक ही भूसे का बनाया है, मोटे का अगर कोई हमसे स्पेशल ही मांगेगा तो हम उसको जो मोटे का बना के देंगे, वरना हम सारे थ्रेशर जो बना रहे हैं मल्टी क्रॉप में सब बारीक ही भूसे की हमारी जिम्मेदारी। निकासी एक घंटे के अंदर कितनी करेगा? देखिए निकासी के ऊपर हम आपको बात बताते हैं, देखो कहीं झड़ाव ज्यादा होता है बिल्कुल, कहीं कम होता है बिल्कुल, कहीं जो है गीला होता है, कहीं सूखा होता है, इसका जो है एवरेज आता है। आपने 5 बीघे का खेत है बिल्कुल, 5 बीघे खेत में आपने इसको खड़ा किया और टाइम देख के आप ये लगा लीजिएगा कि इसने कितनी देर में 5 बीघे का लाख निकाला, कितने टाइम में निकाल देगा, उसका एवरेज निकलता है इसका जो है 5 बीघे से लेके 8 बीघे तक इस वाले थ्रेशर का एवरेज है। एक घंटे 5 बीघे एक घंटे के अंदर। हाँ जी। तो ट्रैक्टर कौन सा चाहिए होगा? देखिए ट्रैक्टर काम करेगा। देखिए ये वाला जो थ्रेशर है हमारा ये 36-40 का साइज है बिल्कुल, इस वाले थ्रेशर के लिए आपको कम से कम 40 हॉर्स पावर का ट्रैक्टर कम से कम इस वाले ट्रैक्टर के लिए, इस वाले थ्रेसर के लिए, इस वाले थ्रेसर के लिए 36-40 के लिए। अच्छा। एक इससे छोटा थ्रेसर है हमारा जी 32-36। अच्छा। उससे आप 30 हॉर्स पावर 35 हॉर्स पावर ट्रैक्टर उस पर यूज कर सकते हैं। अच्छा। हमने दो साइज इसमें बनाए हैं, 36-36 बनाया है, 36-40 बनाया है जी। तो ये आप छोटा ट्रैक्टर हो बड़ा ट्रैक्टर हो ये सब क्या नाम 40 हॉर्स पावर ट्रैक्टर तक के लिए ये वाला थ्रेसर, जैसे ये मान के चलो 40 हॉर्स पावर बढ़िया चलेगा जी जी। अब किसान आदमी जो लेता है वो बिजनेस के पर्पस से लेना चाहता है बिल्कुल, अपना काम भी कर लिया उन्हें। हाँ और चाहता है कि सीजन के अंदर मैं मशीन को फ्री कर लूं और पैसा कमाऊं बढ़िया करके जी जी। तो सीजन के अंदर कितना पैसा आपके पास तो किसान ले जाते होंगे, क्या अनुभव है उनके जो है? देखिए हमें इतना कॉन्फिडेंस है और कस्टमर हमें आके बताते हैं, हम अपने थ्रेशर के बारे में बता सकते हैं ये बात के सीजन में हमारे थ्रेशर से किसान इसको फ्री कर लेता है। अच्छा। हाँ जी अपना पैसा इसमें वसूल कर लेता है जी 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 जी। अब सर मैं जैसे क्या मुट्ठा लगाने वाला सिस्टम देख रहा हूँ इसका जी जी। और मशीनों के मुकाबले मैंने बिल्कुल ये अलग देखा है जी।
ये सिस्टम क्या है और ये सिस्टम तो मुझे अलग ही लग रहा है, इसके बारे में बताइए। जी देखिए, ये तो ये जो हमने जो चैनल लगाए हैं इस पे, तो ये किसान जो है जो लेबर होती है इस पे लगा कर, इस पे तख्ते लगेंगे लकड़ी के। अच्छा हाँ, इस पे लकड़ी के तख्ते लगेंगे, वो किसान खुद लगाएगा बिल्कुल, जो हमारे यहाँ से खरीदेगा। अच्छा, अपने पास से लोकल से ले सकता है? लोकल से लगा के लगा सकता है। हमने इसमें जो है सुराख दे दिए हैं जिससे कि बोल्टों से वो आसानी से खींच ले। अच्छा अच्छा। दूसरी बात जी, इसके अंदर ये जो हमने बेल्ट सिस्टम दिया है। अच्छा अच्छा। आपने देखा होगा कि जो करीब से भी होता है थ्रेशर लगाने वाला, तो उससे भी बाजी किसान जो है अनाड़ी होता है। इसमें क्या होता है कि आप इस पे जब चालू करेंगे, अच्छा, तो इस पे आप बेल्ट पे आप इस पे लाख लगाएंगे, ये अपना अंदर एडजस्ट कर लेगा। अच्छा जी, एक आदमी मुट्ठा लगाएगा या दो आदमी लगाएंगे? इस पे तो आप तीन भी लगा सकते हैं। तीन भी आप इस पे, मेरी गारंटी है, तीन भी आप इस पे लगा दो। अच्छा देखिए, मैं आपको बताऊं, जब अभी आपने अपने आपके चैनल से एक बात मैं कह देता हूं, आपने अभी एक सवाल कैमरे से कि लोड ही नहीं मानेगी। अच्छा, लोड थ्रेशर वो मांगता है जिस मशीन के अंदर धकेलना पड़ेगा, और जो मशीन अंदर से पेटी भर के चलेगी, जिसका माल अंदर रुकेगा, जिसका भूसा अंदर रुकेगा, वो मशीन ट्रैक्टर को भी दबाएगी और वो एवरेज से जो है वो एवरेज नहीं निकालेगी। अब अरशद भाई, जैसे कि हम ये सिस्टम आपने बता दिया कि ये लोड लेगा, देखिए ये जो हमारा ये है इसके अंदर गियर बॉक्स। अच्छा अच्छा, इस गियर बॉक्स से क्या होता है जी, लाक अंदर जाता है इसमें। अच्छा, मान लो इसके अंदर देखो, ये गियर वाला सिस्टम है जी जी, ये गियर रिवर्स वाला है। अच्छा, ये गियर जो है रिवर्स कर देता है इसको माल को, अगर मैं इसके अंदर कोई माल अटक गया जी, तो ये ब्रेक करके आप इसको दोबारा से इसको अंदर कर सकते हैं जी, ये गियर इसलिए दिया है। अच्छा, ये हमने फोर ज्वाइंटों में इसको बनाया है। अच्छा, चार शाफ्टों से चलता है जी, इसका और इसका कॉम्बिनेशन है। अच्छा, ये इसका हेड है। अच्छा, और ये इसका गियर बॉक्स है बिल्कुल। हाँ जी, तो ये इसको इसकी ज्वाइंट से ये इसको माल अंदर लेकर के जाता है इसको जी, और जिसके से अंदर इसमें हमने तीन गणा से लगाए हैं जी। अब अरशद भाई, आपने जो है सब कुछ ये बता दिया, अब किसान भाई चाहता है कि इसके भील की जानकारी लेना, कितने भील है और कैसे कैसी क्वालिटी के भील लगाए हैं आपने जो। देखिए इसके अंदर मैं आपको बताऊं जी कि ये जो हमने इसके अंदर भील लगाया है, ये हमारा पंजाब मॉडल है। अच्छा, ये मॉडल पंजाब मॉडल है, इसे पंजाब मॉडल बोलते हैं। अच्छा अच्छा, पंजाब वाले इसके अंदर व्हील नहीं लगाते बिल्कुल। हाँ, और जिससे के वो उनका थ्रेशर लोड लेके चलता है बिल्कुल। हमारे थ्रेशर में ये खूबी है कि हमने इसके अंदर हैवी ड्यूटी का व्हील लगाया है। अच्छा, ये हाँ जी, ये जो इसका व्हील है ये हमने इसका हैवी लगाया है। कितने एमएम में भाई ये, मान के चलना इसके अंदर एक क्विंटल 25 किलो का एक व्हील है, तो बहुत भारी है। हाँ जी हाँ जी, ये यहाँ होगा एक, नहीं इसके अंदर ये सिंगल व्हील है, अंदर इसका जो ड्रम है। अच्छा, वो इसका और हिसाब का है, इसके अंदर जो है 1.25 इंच के, मैं खोल के दिखा देता हूँ जी, अगर आपका हो तो बिल्कुल खोल के दिखा दो जी इसके अंदर। अब सर भाई, मैं आपका इसका आपने खोल के दिखाया, ये मेरी समझ में ये नहीं आ रहा, ये सिस्टम कुछ अलग लग रहा है मुझे। हाँ, ये सिस्टम मैंने थ्रेशरों में नहीं देखा, क्या है ये चीज क्या है? मैं आपको बात बताता हूँ, ये जो हमने इसके अंदर जी ये नई टेक्निक का अपना रूटर बनाया है। अच्छा, इससे क्या होता है, एक तो इस पे ये जो है पिसाई अच्छा करता है और जो माल को अच्छी किस तरीके से खेलता। अच्छा, हमने इसके अंदर जो है चूड़ी वाला सिस्टम बनाया है। अच्छा हाँ, कि जिस तरह से चूड़ी नट चढ़ाने से बिल्कुल चूड़ी चढ़ती है, इस तरह से ये माल को अंदर को के जो है इसकी जो मड़ाई करता है। अच्छा हाँ जी, और ये हमने देखिए तीन गणा से है हमारे इस पे जी, तीन गणा से हमने इसके अंदर लगाए हैं, एक जी और दो और एक नीचे है। हाँ, एक नीचे है जी। हाँ, तीन है, ये तीन गणासों में है। अच्छा, मतलब उसकी महीन को बिल्कुल बारीक कर देता है। बारीक की हमारी पूरी गारंटी है, घर तक की इसकी गारंटी है जी। अगर इसका जरा सा भी एक भी तुनका मोटा आ गया तो हम अपना थ्रेशर वापसी ले लेंगे, मैं किराए के पैसे वापिस हम आपकी वीडियो के माध्यम से ये बात आपसे कह रहे हैं। अच्छा, या देखिए आजकल के जो थ्रेसर होते हैं वो यहाँ से जो भर जाते हैं जब ये चलते हैं, तो उससे ट्रैक्टर लोड मानता, अगर यहाँ से भी भर जाए या ट्रैक्टर आपका हमारे थ्रेसर पे डीजल ज्यादा खाए तो उसकी पूरी गारंटी आप हमसे बिल पे लिखवा लीजिएगा। बहुत बढ़िया बात, किसान भाइयों को ये पसंद आएगी आपकी, वाकई बहुत अच्छी बात आपने कही है। क्योंकि एक्चुअली क्या है, आज की तारीख में डीजल इतना महंगा है बिल्कुल के ट्रैक्टर को और थ्रेसर को चलाने वाले का औसत नहीं आता बिल्कुल। गांव-गांव में इतना कंपटीशन है जी कि वो ये महज करते हैं बाजी गांव में तो ऐलान लग जाता है कि वो इतने कनस्तर पे निकाल रहा है जी और मैं इतने पे निकाल दूंगा, मतलब ये कंपटीशन है जी, चाहे औसत आए या ना आए। अच्छा, जीतता कौन है? जिसके मशीन ने एवरेज दे दिया, ट्रैक्टर ने तेल कम खा लिया, नाजबूज बढ़िया दे दिया, तो वही कमा लेता, वरना किसान घर से दे देता बिल्कुल। हमारी हर बात की जिम्मेदारी आप हमारे थ्रेसर की बिल पे लिखवा के ले सकते हैं।
अब आपने गारंटी बता दी कि कोई गड़बड़ हो जाए जी, वैसे कोई गड़बड़ नहीं हो रही और जो है कुछ एकदम पार्ट्स में हो रहा है, कितने दिन की तक की गारंटी वारंटी रहेगी इसके? जगह हम एक सीजन की इसकी गारंटी देते हैं, पूरे सीजन की फुल गारंटी। फुल गारंटी है। अच्छा, ऊपर वाला ना करे अगर एक्सीडेंट भी हो गया तो उसकी भी गारंटी हमारी है। अब जैसे कि टेक्निकल फॉल्ट की वजह से हो जाता है, बिल्कुल। अब किसान भाइयों को मान के चलो कोई पार्ट्स की जरूरत पड़ रही है, एक साल हो गया, हाँ जी, तो आपको कहाँ से मिलेगा जो है? देखिए, इसमें हमने कोई इस तरह का पार्ट्स नहीं डाला जो मार्केट में अवेलेबल ना हो। अच्छा, आप कोई भी किसान हो इसका पार्ट्स कहीं से भी लेके इसका डाल सकता है, इसका हर एक पार्ट्स हर मार्केट में हर जगह अवेलेबल है। अब अरशद भाई, आपने पूरी जानकारी मेरे किसान भाइयों को दे दी इस मॉडल की जी। अगले मॉडल की जानकारी हम आगे वीडियो में लेंगे जो है। ठीक है, बात रहती है जेब ढीली जी, और आप भी जानते हो मैंने वीडियो की शुरुआत में कहा था सब्सिडी का प्रोसीजर आपके पास बहुत अच्छा चल रहा है, कितने परसेंट सब्सिडी इस पर मिल जाएगी और कैसे कैसे मिलेगी, क्या करना पड़ेगा? हमारे माध्यम से तो हम जो इसके डॉक्यूमेंट्स हैं जी वो किसान को हम दे देते हैं बिल्कुल बना के। बाकी देखिए, इसका थोड़ा सा खर्चा तो किसान का होता ही है, पड़ेगी मेहनत तो उसके लिए करनी पड़ती है, तो हम उसके जब कागज दे देते हैं तो आप किसान इस पे सब्सिडी ले सकता है। अच्छा, हाँ जी, वो कहीं का भी हो, वो अपने कागज दिखा के वो अपने अधिकारी से कोई भी जिसकी जितना मेहनत कर लेगा इतनी ही उसका काम आ जाएगा। अब किसान भाइयों, मैं आपको दिखाने वाला हूँ अरशद भाई का दूसरा मॉडल थ्रेसर मशीन का। हम आपका ये बहुत ही बेहतरीन कलर कॉम्बिनेशन में जो थ्रेसर देख रहे हैं ये जी, इसकी क्या खासियत है, उसके मुकाबले इसके अंदर क्या अलग है? देखिए, इसके अंदर ये है, वो जो हमारा थ्रेसर जो अभी हमने आपके चैनल के माध्यम से दिखाया था बिल्कुल, उसमें वो तो मल्टी क्रॉप हो गया बिल्कुल। ये जो हमारा थ्रेसर है ये हमारा सादा थ्रेसर है, ये गेहूं में स्पेशल है, गेहूं के लिए स्पेशल थ्रेसर, गेहूं के लिए स्पेशल थ्रेसर। इसकी टेक्निकल कुछ जानकारी दीजिए। इसकी टेक्निकल की जिम्मेदारी ये है कि सबसे पहले आपके इधर मैं चैनल के माध्यम से ये बात कहना चाहता हूँ कि अभी मैंने आपको ये पहले भी बताया था कि आज की तारीख में कि किसान को इतनी जल्दी है जी कि वो ना तो सूखा देखता ना गीला देखता बिल्कुल, वो तो ये सोचता है कि मेरा रात को कटा और सुबह को मेरा निकल जाए बिल्कुल। हमारे इस थ्रेसर में ये खूबी है जी कि जिसका गीला थ्रेसर ना निकाले लाख वो हमारा थ्रेसर निकल जाएगा, हम इस बात की भी गारंटी आपको लिख के दे सकते हैं बिल्कुल। एक्चुअली क्या है मैं आपको बताऊं, हमारे इस थ्रेसर के अंदर एक तो भूस मोटा बारीक करने का इसके अंदर ये एडजस्टिंग है। अच्छा, ये इन बोल्टों पे से एक तीन ही इधर है इसमें और तीन ही पल्ली तरफ है, एडजस्ट कर सकते हैं भूस। चलती मशीन में आप इसको जो है इसमें भूस मोटा बारीक कर सकते हैं। अच्छा, किसान को जितना मोटा चाहिए आप इसको चलती मशीन में आप कर सकते हैं। अच्छा, दूसरी बात इसके अंदर ये है कि ये जो हमने ये छह बोल्ट दे रखे हैं पांच। अच्छा अच्छा, इन बोल्ट पांच बोल्टों में अंदर एक कटर लगा हुआ है जी, आपने देखा होगा कि और कंपनियों के जो थ्रेसर है वो जाली पे तोड़ करते हैं अंदर का रूटर जो होता है बिल्कुल। हमारे थ्रेसर है ये इसमें कटर में कुछ छुरी निकल के जाती है बिल्कुल, जिसकी वजह से ट्रैक्टर पे लोड कम पड़ता है बिल्कुल। और इसके अलावा ये हमने एक एक्स्ट्रा कटर हमने इसके ऊपर दिया है बिल्कुल जी बिल्कुल। इससे क्या फायदा है, इसमें स्टील के ब्लेड लगे हुए हैं बिल्कुल। आपने देखा होगा जब गीला लाख आता है जी तो मशीन के अंदर जब जाता है तो मशीन ऐसे करके लपेटती है उसे गीले लाख। हाँ बिल्कुल, ऐसे करती है। हाँ, लपेटती है तो उससे मशीन दबती है, ट्रैक्टर पर लोड बढ़ता है जी, जिसके कारण मशीन यहाँ से भर जाती है जी, और मशीन भूसा राउंड कम हो जाते हैं, भूसा निकाल नहीं पाता बिल्कुल। मशीन यहाँ से भर जाती है तो वो फिर किसान को पहले चलना खोलना पड़ता है, चलना खोलेगा उसके बाद भूस साफ करेगा, उसका पेट साफ करेगा, उसके बाद फिर दोबारा चालू करेगा बिल्कुल। कम से कम उसका आधा घंटा उसका खराब हो जाता है बिल्कुल। हमारे थ्रेसर में ये खूबी है कि एक तो गीले लाख की देखो मशीन के अंदर एक खूबी होनी चाहिए कि लेवर ने मुट्ठा लगाया इसका बिल्कुल, और मशीन अपना आप खींच ले अंदर बिल्कुल। मशीन के अंदर ये खूबी होनी चाहिए, और जिस मशीन में धकेलना पड़ेगा जो मशीन यहाँ से भर के चलेगी वो मशीन सही नहीं चलेगी और ट्रैक्टर डीजल ज्यादा खाएगा उसको। अच्छा अच्छा, हाँ जी। इसमें कितने एचपी का ट्रैक्टर चाहिए? देखिए, ये हमारा जो है 45-45 का साइज है। अच्छा, वो अच्छा एक चीज हम आपको और ये बता देते हैं, मशीन की कोई हॉर्स पावर नहीं होती। अच्छा अच्छा, आज मैं आपको एक क्लियर कर देता हूँ। आजकल लोगों ने क्या बना रखा है, 60 HP 50 HP, नहीं जी, वो तो 250 HP तक पहुँचा दी अब तो लोगों ने। अच्छा, सिस्टम क्या बना रखा है, मान लो ये मेरा साइज है 45-45 का जी। अब मैंने अगर इस पे 200 HP लिख दिया, अब ये साइज तो हो गया मेरा खत्म। अब जब ये साइज खत्म हो गया तो उसी छोटे वाले पे 200 लिख दिया, लो जी 200 की हैगी, लो जी ये ले जाओ। किसान के साथ सबसे बड़ा धोखा आज की तारीख में ये हो रहा है। अच्छा, मशीन का सिर्फ एक साइज होता है, 38-42 हो, 38-40 हो, 38-45 हो, 45-45, ये साइज होते हैं इसके, इसका ड्रम का साइज होता है।
और हम जो देते हैं किसान को सिर्फ एक साइज ही बेचते हैं, पावर कुछ नहीं होती इसकी जी। आप ये बताइए कि इसके अंदर इंजन नहीं होता? बिल्कुल जी। इसके अंदर पिस्टन ये नहीं खाती? ये तो ट्रैक्टर की मोहताज है। बिल्कुल जी, है नहीं बात? बिल्कुल। अब जिस तरह इसको पावर ट्रैक्टर की मिलेगी उसी हिसाब से ये काम करेगी। अच्छा। ये देखना पड़ता है कि कौन से कितने हॉर्स पावर के ट्रैक्टर पे कौन सा साइज काम करेगा। अच्छा सर भाई जी, लोहे के दाम दिन रात बढ़ रहे हैं जी, जी। आज कुछ है कल कुछ और है जी जी। तो मैं तो प्राइस के बारे में तो आप खुद किसान भाई फोन पे बात करेंगे जी जी, तभी आपको सही रहेगा जी जी जी। अब ये बताओ मेरे लिए क्या छूट करोगे आप जो है? देखिए आपके माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से जी, अगर कोई भी बंदा कहाँ फोन करता है या आपके स्क्रीनशॉट लेकर के भेजता है बिल्कुल, तो हम कम से कम आपका मान सम्मान में 5,000 रूपए छूट आपके माध्यम से। दोनों मॉडल चाहिए मुझे? दोनों मॉडल में 5,000 रूपए की छूट आपके माध्यम से देंगे जी जी। तो किसान भाइयों आज आपने इतनी बेहतरीन जानकारी अरशद भाई से आपने ली जी। अलग अलग मॉडल, पंजाबी मॉडल में एडवांस टेक्नोलॉजी अरशद भाई ने क्या की हुई है अरशद भाई ने बताया। इस मॉडल के अंदर बहुत ही अलग अलग खासियतें अरशद भाई ने बताई कि किसान के साथ एचपी कितने, ये जो है मेरा 60 हॉर्स पावर का है, कोई 200 का बताता है, वो पूरी सच्चाई अरशद भाई ने आज बताई। ये है हम ये डबल बेयरिंग में बनाते हैं। अच्छा हाँ, डबल बेयरिंग लगा हुआ है जी। और इसके अंदर देखिए हम आपको दिखाएं कि इसमें कोई हॉर्स पावर नहीं है, इसका एक साइज है पेटी का। अच्छा देखिए ये लिखा हुआ है इसके साइज पे 45-45, ये पेटी का साइज होता है, इसकी कोई हॉर्स पावर नहीं। मैं तो मानता नहीं इसका कोई हॉर्स पावर होती होगी, ये तो ट्रैक्टर के मोहताज है। अच्छा ब्लेड की क्वालिटी क्या है इसके? ब्लेड की क्वालिटी ये है, इसके अंदर हम एक नंबर का इसके अंदर लोहा लगाते हैं जी, जिससे कि हमारा इसके अंदर जो रोटर वेटर की इसकी जो जाली है और इसका जो ब्लेड है ये हमारा नया लेने के बाद में 3 साल आपको बदलने की जरूरत नहीं। अब अरशद भाई आपने वीडियो के शुरुआत में कहा था कि हम तो सब कुछ देखते हैं जी, हैरो वगैरह भी सब कुछ मिलती है, ये रोटावेटर देख रहा हूँ मैं जो है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। और इधर ये शुगर कैन देख रहा हूँ मैं जो गन्ने की टाई, इस पे थोड़ा सा मेरे ट्रैक्टर वालों के लिए बता दो ये कितने एचपी के रोटर? देखिए ये हमारा 7 फीटा का, हम 7 फीटा बनाते हैं। अच्छा। 6 फीटा भी बनाते हैं, 8 फीटा भी बनाते हैं जी। और जो छोटे वाले ट्रैक्टर आते हैं हम उनसे भी रोटावेटर बनाते हैं। सब्सिडी इन पे मिल जाती है? सब्सिडी अप्रूवल है ये भी हमारा। अच्छा अच्छा, हाँ जी, हाँ जी। ये ब्लेड की क्वालिटी क्या रहती है रोटावेटर की? ये बोरोन स्टील लगाते हैं इसके अंदर, इसकी पूरी 1 साल की पूरी रोटावेटर की हमारी गारंटी है। पूरे देश में कहीं हाँ, नहीं होगा इसका गेयर बक्सा देते हैं, ये शक्तिमान मॉडल है रोटर बैटर। अच्छा अच्छा, पूरी जिम्मेदारी है जी। और ये हमारा शुगर कैन रोटर जैसा बेटर। मेरा किसान भाई शुगर कैन मतलब हाँ गन्ने के लिए स्पेशलिस्ट लेना चाहता है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। खरपतवार परेशान करती है, मजदूर ले जाते हैं बड़ा पैसा, तो ये कौन सा मॉडल है? ये हमारा 3 गोल वाला है। अच्छा, हमने ये हमारा स्पेशल हमारा अपना ही मॉडल तैयार किया हुआ है। अच्छा अच्छा जी। असल में क्या है ये, एक तो इसका मल्टी स्पीड का गेयर बक्सा है जी, इस वाले का जी, जिससे कि अगर किसान को चक्कर कंबर्ती अगर करने हैं तो इसे चक्कर कंबर्ती कर सकता है जी। दूसरी बात, इसके अंदर हमने जो है बीच में ये लगाई है 10 अच्छा पिलर वाली, ये अच्छा। बीच में से भी जुताई करके चलता है। अच्छा, तीसरी बात ये है इसके अंदर हमने जेक सिस्टम दिया है, आप इसको छोटा बड़ा कर सकते हैं आप। अच्छा अच्छा, हाँ जी, इसके अंदर ये खूबी है। अच्छा, दूसरी बात इस पे ट्रैक्टर का कोई लोड नहीं, कोई भी आप ट्रैक्टर चला सकते हैं इस पे जी, कोई लोड नहीं, लोड फ्री है। अच्छा, तो अरशद भाई अपना एक बार कॉन्टेक्ट नंबर और बता दो किसान भाइयों को। देखिए कॉन्टेक्ट नंबर हमारा है 9897-1999-10-9897-1997-1999-10। अच्छा, ये हमारा कॉन्टेक्ट नंबर है। और एक हमारा दूसरा नंबर है 9933-1528-9933-1528-33-1528 जी, इंग्लिश में यू बोलना पड़ता है कि वो 35 ही समझ लेता है सामने वाला। नया जानकारी हमारे किसान भाइयों को आज दी है जी। तो ये पता और बता दो, ये किसान भाई आना चाहे आपकी कंपनी में कैसे कैसे आए और कहाँ कंपनी है अपनी? देखिए हम डिस्ट्रिक्ट पड़ता है हमारा अमरोहा जी, ये मुरादाबाद के पास पड़ता है अमरोहा, अमरोहा के पास पड़ता है गजरोला। अच्छा जी, बोलो बोलो। और इसके अंदर जो है ये यूपी में पड़ता है, यूपी में पड़ता है अमरोहा से 20 किलोमीटर डिस्ट्रिक्ट अमरोहा है, अमरोहा से 20 किलोमीटर पड़ता है। बात कह सकता हूँ कि कोई भी किसान हो, कोई भी डीलर हो, अगर हमसे संतुष्ट ना होगा तो आप हमसे बेझिझक होके हाथ जोड़ के हम उसके पैसे दे सकते हैं, पूरी जिम्मेदारी हमारी हर प्रोडक्ट की जी। तो किसान भाइयों आज आपने अरशद भाई ने इतनी बेहतरीन जानकारी थ्रेसर मशीन की, दोनों थ्रेसर मशीन के मॉडलों की और भी काफी मॉडल बनाते हैं शुगर कैन रोटावेटर और ट्रैक्टर रोटावेटर की जानकारी ली। वीडियो आपको काफी पसंद आई होगी, वीडियो पसंद आए तो दोस्तों को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान।